यार मैंने सुना एक मेडिकल शॉप के डिलीवरी बॉय लकी में बड़ा एटीट्यूड है। दरअसल लकी अपने कॉलेज का सबसे गरीब लेकिन टैलेंटेड और हैंडसम लड़का है, इसलिए कॉलेज में पढ़ने वाली रईस लड़की लड़कियां उसे पसंद नहीं करते थे। उन्हीं में से एक थी कोयल, और एक बार तो कोयल ने हद ही कर दी। ऐसा क्या किया उसने? कोयल अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने एक 5-स्टार होटल पहुंची थी, लेकिन उस पार्टी में लकी भी मौजूद था, जिसे देख वो आग बबूला हो गई। वो गुस्से में अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो लकी जैसे भिखारी के साथ पार्टी करके अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहती, और इतना कहकर वो वहां से जाने लगी कि अचानक अब क्या हुआ, होटल के गेट पर कुछ बिगड़ेल रईस ज्यादा कोयल के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। उनमें से तो एक पता है कौन था? कौन था? लोकल MLA का बेटा। ओ गॉड। फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक एक जोरदार घूंसा MLA के लड़के की नाक पर पड़ता है, और ये घूंसा किसी और ने नहीं लकी ने मारा था। क्या, लकी ने MLA के लड़के की पिटाई कर दी? सिर्फ उसकी नहीं, उसके दोस्तों पर भी अकेला लकी भारी पड़ गया। सभी लड़के डरकर वहां से भाग जाते हैं। अरे वाह, फिर तो लकी सबके सामने हीरो बन गया होगा। नहीं, उल्टा उसके दोस्त उस पर भड़क गए। पर क्यों? सभी डर गए थे कि अब MLA लकी के साथ उसके दोस्तों को भी मुश्किल में ना डाल दे। फिर फैसला होता है कि लकी MLA के घर जाके माफी मांगेगा। सब लोग MLA के बंगले पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो होता है उसे देख सबके होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ था वहां? लकी को देखते ही MLA अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, और अपने हाथ जोड़े लकी से कहता है कि भाई आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। क्या बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल तुम्हारी तरह कोयल भी ये सब देख हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी असल में है कौन। सही में मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या है लकी का सच, ऐसा क्या राज है लकी का जो उसके दोस्त भी नहीं जानते। क्या लकी कोई पैसे वाला है जो गरीब होने का नाटक करता है, और क्या कोयल का बर्ताव लकी के लिए बदल जाएगा? इतना कुछ जानना है तो अभी डाउनलोड करो Pocket FM ऐप और सुनो शो इंस्टा मिलेनियर।